अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक चांद रात ब्लॉग में। बेसिकली ईद उल अज़हा की चांद रात नहीं होती, लेकिन हम लोग ईद चांद रात मनाते हैं, जो कि ईद से एक दिन पहले की होती है। अभी मैं सुबह के लिए तैयारी कर रही हूँ। बेटों के कपड़े निकाले हैं, जो कि मैंने बच्चा पार्टी से लिए थे, ताकि मैं उनको अभी निकाल के इस्त्री कर लूँ और सेट कर लूँ, ताकि इनको सुबह को कोई प्रॉब्लम ना हो। प्लस जो है बेटी के कपड़े भी मुझे जो है प्रेस करके रखने हैं, देन अपने हस्बैंड के भी, अपने भी पूरी तैयारी करके रखनी है, ताकि सुबह को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आपको पता है कि बहुत काम होते हैं ईद उल अज़हा में, उनको नमाज़ में भेजना, और जब ये नमाज़ पढ़ कर आएँगे तो ज़ाहिर बात है भूख तो सबको लगती है, तो खाने के लिए भी कुछ सर्व करना पड़ेगा। प्लस फिर दरअसल कुर्बानी का टाइम हो जाता है, और मतलब बहुत ही बिजी डे गुजरता है। आपको हिस्से बनाने होते हैं, गरीबों को देना होता है, अपने रिश्तेदारों के हिस्से बनाने होते हैं। और मैं बेसिकली करती हूँ कि अपना गोश्त साफ़ करके मैं फ्रिज में रखती हूँ, ताकि जब मुझे बनाना हो तो मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े उस वक्त। अभी मेरी तैयारी चल रही है, बेटों के कपड़े मैंने सेट कर लिए हैं। बेटी के कपड़े मैंने पेपरलैंड से लिए थे, इनकी 30% पे सेल लगी थी, और मैंने उसी वक्त अपनी बेटी की ड्रेस मंगवाई थी। और मुझे बेसिकली पेपरलैंड बहुत पसंद है, और मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहता है बेटी के कपड़े। और मदे के बाद मैंने इसकी दो ड्रेसेस जो है मैंने सेलेक्ट की थी, एक ये कलर और एक येलो कलर मैंने किया था। रेड कलर जो है मुझे वो मिस हो गया था कि मैंने कौन सा कलर किया है। जो मैंने ड्रेस इस येलो कलर में अपने मंगवाना चाह रही थी, तो वो उस रेड कलर में जो है ये सेट हो चुका है, मैच हो चुका है। हम फर्स्ट डे पर यही पहनेंगे। मेरी बेटी बड़ी हो रही है, और उसकी ये ख्वाहिश है कि मेरे और उसके एक जैसे कपड़े हों, कम अज़ कम कलर सेम हो हमारा। डिज़ाइन में अभी उसने ध्यान नहीं दिया, और अभी पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन जितना हो सकता है मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ, और उसकी इस ख्वाहिश का मैं एहतराम करती हूँ। एज अ मदर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी बेटी को खुश करूँ और उसकी ख्वाहिश को मैं पूरा करूँ। दोनों ड्रेसेस का फैब्रिक बहुत ज़बरदस्त है, एम्ब्रॉयडरी बहुत नीट एंड क्लीन है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा पेपरलैंड को, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो मिलती रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।